नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूटेक ईजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटेक ईजी में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक थंबनेल आपने देख रहा, आपने पता तो लगा ही लिया होगा। तो दोस्तों, टॉपिक ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने नाम का जो डिजिट है वॉइस है वो कैसे बनाए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं कि हम FL स्टूडियो से जो है मतलब रिमेक सॉन्ग करते हैं या फिर उस सॉन्ग में अपना नाम डालते हैं तो बहुत हार्ड पड़ जाता है, बहुत सारे टॉपिक्स हमें क्लियर करने पड़ते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं वहां पर रिमेक्सिंग करने में। लेकिन जो वर्चुअल डीजे वाला जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ईजी है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको नेम डीजे वॉइस टेक्स्ट चाहिए होता है, तभी आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं, वो भी फीमेल वॉइस में। तो आप फीमेल वॉइस में कैसे ऐड करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेल वॉइस में बनाता तो काफी आसान होता है, तो लेकिन आज फीमेल वॉइस में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप जैसे शादी पार्टी में जाते हो, आपने डीजे पर नाम सुना होगा, जैसे आता है डीजे डीजे विशाल, डीजे कुमार, इस तरह से बहुत ही फीमेल वॉइस में बहुत ही प्यारी आवाज है, वो गाने पर लगा हुआ होता है। तो आप अपने गाने को रिमेक्स कर सकते हैं इस वॉइस टेक की सहायता से वर्चुअल डीजे में। तो आप वर्चुअल डीजे में से लेकर चल सकते हैं या फिर मोबाइल से भी अपने सॉन्ग को रिमेक्स कर सकते हैं और अपना नाम उसमें डाल सकते हैं। और इससे कैसे डीजे वॉइस टेक्स बनाते हैं, कैसे वॉइस में इफेक्ट डालते हैं, कैसे हम वॉइस को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे फीमेल वॉइस हम तैयार कर सकते हैं और डीजे की जो टेक्स है वो हम तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल न्यूटेक ईजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना मिलती रहेगी टाइम टाइम पर, और आप टेक्नोलॉजी मोबाइल कंप्यूटर से रिलेटेड सभी वीडियोज अपने मोबाइल पर पहुंचा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इधर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर चलना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में एक ऐप है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वैसे तो ऑडकास्ट के जरिए हम ऑनलाइन भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए ऑनलाइन डाउनलोड आप मोबाइल में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फ्लैश प्लेयर सुनने के लिए दूसरा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, जो कि क्या होता है कि आपके लैपटॉप या पीसी में ही यूज होता है, वैसे तो मैं ऑनलाइन बता देता लेकिन ऐप काफी बेटर रहता है उसके लिए। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है नरेटर्स वॉइस। देखिए, नरेटर्स वॉइस बहुत सारी आपको मिल जाएगी, तो इस तरह से देखिए नरेटर्स वॉइस मैंने यहाँ पर टाइप किया, और नरेटर्स वॉइस के बाद में आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से पहला ही ऐप आया जाएगा नरेटर्स वॉइस, तो ये वाला ही आपको इंस्टॉल करना है। इसकी रेटिंग 4.5 है और काफी अच्छी रेटिंग है, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। अब मैं सीधा इसको ओपन कर लेता हूँ, इसकी एक एक सेटिंग के बारे में आपको आराम से समझाता हूँ। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो इस तरह से देखिए ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, सॉरी ये मैसेज आ गया, यहाँ पर आपको मेम्स नेवर एंड्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम टाइप कर देना है यहाँ पर, जो आप नाम बुलाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, हिंदी में नाम टाइप करना है। देखिए, हिंदी के लिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, चलिए इस नाम टाइप करने से पहले मैं आपको एक सेटिंग और समझा देता हूँ इसकी, और इसको हटा देते हैं। यहां से देखिए ऊपर आपको इस जो आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। आइकन पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहां से आपको सिलेक्ट करना है लैंग्वेज आपको हिंदी सिलेक्ट करनी है। देखिए, आपने इंग्लिश सिलेक्ट, इसमें सिलेक्ट इंग्लिश की हुई होती है, पहले से मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश सिलेक्ट करके। और यहाँ से जैसे मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए इंग्लिश के लिए बहुत सारे जो है मेंस की वॉइस मिल जाएगी, फीमेल्स की वॉइस मिल जाएगी। तो आपको इंग्लिश में बनाना है तो मेरे हिसाब से संगीता सबसे बेस्ट रहती है, तो संगीता का यूज करें। लेकिन जैसे आप यहाँ पर हिंदी करोगे तो ऑटोमेटिकली लेखा ले लेता है, और देखिए वैसे तो हिंदी वॉइस भी जो है संगीता की सही रहती है, लेकिन वो पेड वर्जन है, वो हम यूज नहीं कर सकते हैं नॉर्मली। तो हम इस पर बैक चलते हैं, यहाँ से लेखा सिलेक्ट करना है, हिंदी सिलेक्ट करना है, और बैक चलने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको नेम टाइप करना है। मान लीजिए मैं अपना नाम हिंदी में टाइप करना है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो मैं अपना ही नाम टाइप कर लेता हूँ, जैसे डीजे टाइप करते हैं यहाँ पर डीजे, और यहाँ पर टाइप करता हूँ शंकर। डीजे शंकर टाइप करने के बाद में क्या करना है, आपको जैसे डीजे शंकर टाइप हो गया और बैक चले जाना है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपने जो टाइप किया उसके बाद में आपको यहाँ से प्ले बटन पर क्लिक करना है। देखिए, प्ले बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, पहला टेक्स्ट, दूसरे वाला रिकॉर्ड, और तीसरे वाला जो आपको ऑप्शन है वो आपको वॉइस का, मतलब आप कौन सा इफेक्ट अपने वॉइस में देना चाहते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट इफेक्ट, सबसे ज्यादातर इफेक्ट दिया जाता है, एक तो इको होता है, एक दूसरा रिवर्ब होता है। तो ज्यादातर मैं इको ही ऑन करता हूँ, इसका लेवल जो है आप ऑन रखें, और यहाँ से इको जो है ऑन रखें, तो इको काफी बेटर इफेक्ट होता है। देखिए, रिवर्ब पर भी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले इको पर सुनते हैं और प्ले वाले पर क्लिक कर लेते हैं। प्ले वाले पर क्लिक, देखिए एक बार फिर से आप सुन लीजिए, और उसके बाद में देखिए दोस्तों इसको
दूसरा इफेक्ट मैं आपको देखकर बता देता हूँ। यहाँ पर फिर से इफेक्ट पर चलते हैं और इको की जगह हम रिवर पर क्लिक करते हैं, क्या होता है इसका यूज। तो देखिए यहाँ पर बैक पर चले जाते हैं, रिवर पर सिलेक्ट करने के बाद अब सुनते हैं, मतलब ये तो एक गूंज को पैदा करता है और वो हमारे गूंज के साथ वॉइस को भी डबल करता है। इको दोनों ही इफेक्ट जो है डीजे वाले सॉन्ग्स पर ज्यादा होते हैं। और अब इसको डाउनलोड करने के लिए थर्ड आइकन जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, और इसको करना है शेयर ऑडियो। यदि आप शेयर डायरेक्ट ऑडियो करना चाहते तो शेयर कर सकते हैं। कन्वर्ट टू वीडियो, इसमें इसको वीडियो की तरह कन्वर्ट करना है, मतलब वीडियो फाइल में करना है तो उस पर, लेकिन सिंपली आपको क्लिक करना है सेव पर ताकि ये सिंपली गैलरी में सेव हो जाए। जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वहाँ पर लिख दीजिए, फिलहाल मैं डीजे नाम से सेव रख देता हूँ और ये जो है अब सेव हो चुकी है ऐड आ गई। तो दोस्तों देखिए आसानी से सेव कर सकते हैं इस तरह से आप, और देखिए अब आप अपने वर्चुअल डीजे में जाकर इस वॉइस का यूज कर सकते हैं अपने डीजे सॉन्ग्स के लिए, और वो कैसे रिमिक्स करते हैं वो भी मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा यदि आपको नहीं आता है तो। तो चलिए दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।